सचिव, और ये देखिए क्या लिखा है उन्होंने, पार्टी में मेरी 32 साल की समर्पित मेहनत पर 2 महीने भारी पड़े, मेरा क्या कसूर था। ये दरअसल इन जनाब ने फेसबुक पर अपने दिल की भड़ास कहें या फिर दिल का दर्द कहें, इस तरह से इन लफ्ज़ों में बयां किया है, पार्टी में मेरी 32 साल की समर्पित मेहनत पर 2 महीने भारी पड़े, मेरा क्या कसूर था। यानी जो मिड्ढा को मौका दिया गया, भाजपा अपना जीत का खाता खोलना चाहती है, उसके बाद अपने ही नाराज नजर आ रहे हैं। फिलहाल प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चौहान साहब, अब जवाहर सैनी नाराज आ रहे हैं और पार्टी में मेरी 32 साल की समर्पित मेहनत पर 2 महीने भारी पड़े, मेरा क्या कसूर था, ये फेसबुक पर इस तरह के अल्फाज लिखकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सर देखिए, जब चुनाव होता है तो टिकट की इच्छा रखने वाले या चुनाव लड़ने की तैयारी करने वाले हर विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में, या कभी कभी तो सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए भी जो लोग तैयारी कर रहे थे, उनकी संख्या पार्टी में संगठन में ज्यादा होती है, एक से अधिक होती है, और टिकट मिलना होता है अंततः गत्वा किसी एक को, एक पार्टी की तरफ से पार्टी का एक ही कार्यकर्ता वो चुनाव लड़ता है। तो जिस कार्यकर्ता को, जिन कार्यकर्ताओं को, जिस कार्यकर्ता को नहीं ये कहना कि जिन कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिल पाती, उनके मन में थोड़ा बहुत क्लेश होना वो स्वाभाविक है, ऐसा होता ही है। जो टिकट के लिए जूझ रहे होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं और उनको टिकट नहीं मिलता क्योंकि किसी एक को मिल रहा है, सबको मिल नहीं सकता, तो उनके मन में इस तरह की भावना आना। लेकिन चौहान साहब, कृष्ण मीठा ही क्यों? देखिए, एक इसको तो हम यूं कहेंगे कि जब चुनाव होता है साहब, तो प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया में बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं। जो लोग टिकट मांग रहे होते हैं वो अपनी ओर से सब कहते हैं कि मेरे जीतने का गणित ये है, मेरी ये स्ट्रेंथ है। ऐसे ही जब मूल्यांकन करना होता है पार्टी के शिखर नेतृत्व को टिकट का निर्णय करने से पहले, तो सब प्रत्याशियों की जो स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, उनका मूल्यांकन किया जाता है। और चुनाव क्योंकि रण है और रण जीतने के लिए लड़ा जाता है, तो उसमें से किसी एक कार्यकर्ता पर अंततोगत्वा निर्णय होता है संगठन का। लेकिन आपको लगता है कि कोई अगर व्यक्ति 30-32 साल आपकी पार्टी के लिए सेवा कर रहा है तो उसका हक मारना कहीं ना कहीं ये वाजिब नहीं है, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक भी उसके साथ जो चल रहा होता है वो भी करता है। सर, यहाँ मैं डिफर करता हूँ थोड़ा सा कि जितने लोग पार्टी में 10 साल, 20 साल, 5 साल, 25 साल से काम कर रहे होते हैं, सबके सबका हक होता है पार्टी पर, संगठन पर, और उनमें बड़ी संख्या में लोग टिकट के इच्छुक होते हैं। तो इस हिसाब से तो जब एक व्यक्ति को टिकट मिलता है बाकी सबका हक मारा गया, ये हर कोई कह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। टिकट एक को मिलना होता है, शेष सब लोग संगठन की इच्छा को शिरोधार्य मानकर उसके लिए काम करते हैं। और चुनावी राजनीति में या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स में जो लोग संगठनों में काम करते हैं, राजनीतिक दलों में काम करते हैं, वो केवल और केवल चुनाव लड़ने के लिए करते हैं, सबके सब ऐसा नहीं है। सबके सबको जीवन में चुनाव लड़ने का अवसर मिले ये संभव ही नहीं। आप स्वयं देखिए कि चुनाव हो सकता 5 साल में आएगा और प्रत्येक क्षेत्र में दर्जन भर कार्यकर्ता तो किसी भी राष्ट्रीय संगठन में, यानी यूं कहें स्टार चेहरों को ही मौका मिलेगा। स्टार चेहरों को ही मौका मिलेगा। दोबारा बोले मैं आपका। वीरेंद्र साहब, कहने का मतलब ये है, जैसे कि कृष्ण मिड्ढा की बात की जाए, जानी मानी एक शख्सियत हैं, क्योंकि साफ तौर पर आप भी जानते हैं कि दिवंगत विधायक हरिचंद मिड्ढा के ये बेटे हैं, तो ये कहा जाएगा कि जिनका वजूद है या फिर स्टार चेहरे हैं उनको ही आगे रखा जाएगा, क्योंकि जीतना मकसद है। स्टार चेहरे, सुनिए, तो हर कार्यकर्ता जो अपने क्षेत्र में काम करता है वो स्टार चेहरा है। चुनाव जीतने के समीकरण देखने होते हैं, कौन हमको विरोधी किसको उतार सकते हैं, इस पर भी विचार करना होता है, और हर संभावित प्रत्याशी की शक्तियां, वीकनेसेस, उनका मूल्यांकन करके टिकट दिया जाता है। मैं फिर दोहराऊंगा कि चुनाव में टिकट किसी एक कार्यकर्ता को मिलती है और जो रह गए बाकी वो सबके सब अगर ये कहने लगे और इस बात को दिल से लगा ले कि मेरा हक मारा गया, तो फिर राजनीति नहीं हो सकती है। नियम ये है कि सब अपने लिए मेहनत, सब संगठन के लिए मेहनत करते हैं, अपने लिए टिकट भी मांगते हैं, लेकिन
निर्णय करने का अधिकार वो संगठन के शीर्ष नेतृत्व का होता है, वो जो निर्णय करता है उस पर कार्यकर्ता को पुष्प चढ़ाने होते हैं। हमें विश्वास है जवाहर जी ने जो बात कही है उनके तात्कालिक उद्गार हैं और वो बहुत पुराने सधे हुए संघर्ष में से निकले हुए कार्यकर्ता। वीरेंद्र साहब आखिरी सवाल आपसे, अब कांग्रेस का स्कोर 5 है, इनेलो का 4 है, भाजपा का 0 है, तो इस बार उम्मीद लगाएं कि कृष्ण मिठा के तौर पर जो कृष्ण अवतार आप उतार रहे हैं वो जरूर ये जंग जीतेंगे। पार्टी इस उपचुनाव के माध्यम से जींद जिले में और जींद में आज तक हम प्रत्यक्ष नहीं जीते हैं, तो हम पहली बार हमारा अपना विधायक बनाकर के कमल के निशान पर हरियाणा की विधानसभा में भेज पाएंगे, हमको इस बात का पूरा भरोसा है। और जींद की जनता से हम अपने जो अब तक के कार्यकाल का जो उपलब्धियां हैं उनके आधार पर, हमने राजकाज की संस्कृति में जो बदलाव लाया है उसके आधार पर वोट मांगेंगे और जातिवादी तत्वों को और परिवारों के जो राजनीतिक दल हैं, एक एक परिवार के दो दो राजनीतिक दल हमारे सामने खड़े हैं, उनको बेनकाब करें। ठीक है, धन्यवाद आपका वीरेंद्र चौहान साहब। तो पार्टी में मेरी 32 साल की समर्पित मेहनत पर 2 महीने भारी पड़े, मेरा क्या